दोस्तों, साउथ एशिया का माहौल एक बार फिर से गर्म हो चुका है जब एक देश की सेना के बोल बचनों वाले बयानों ने एक बार फिर से इस क्षेत्र में भगदड़ मचा दी है और अपनी मशहूर धमकियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। लगता है जैसे हर पड़ोसी देश को लगता है कि वो भारत को डरा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है पाकिस्तान, जो अपने पुराने जंग लगे हुए न्यूक्लियर हथियार को दिखाते हुए एक और धमकी भारत के खिलाफ चला रहा है। इस दुनिया में जहां असली काम जुबान से ज्यादा करने में है, वहां पाकिस्तान के बड़े बड़े दावे बस एक कोने में फंसे हुए भेड़िए की चीख जैसे लगते हैं, असली खतरा नहीं। दोस्तों, इस बार जो आदमी इन बेकार बातों के पीछे है वो और कोई नहीं बल्कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई है। ऐसा लगता है जैसे किदवई ने अपनी तलवार अब तक नहीं रखी, हालांकि वो अब पाकिस्तान की सेना में कोई पद नहीं रखते। आम तौर पर एक ऐसे शख्सियत से यह उम्मीद होती है कि वो अपने सेवा के बाद शांति से रिटायर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, लगता है कि किदवई ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक नई नौकरी शुरू कर दी है, एंटी इंडिया बयानबाजी करना और झूठी धमकियां देना। और यह तो बस आम बात नहीं है, खबरों के मुताबिक उन्होंने अब कहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल इतने एडवांस और इतने खतरनाक हैं कि वो भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पलक झपकते ही खत्म कर देंगे। चलिए दोस्तों, जरा किदवई के इस दावे को तोड़कर देखते हैं। रिटायर्ड जनरल ने एक नई न्यूक्लियर धमकी दी है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के पास हर तरह का न्यूक्लियर हथियार है जो भारत के किसी भी कोने को निशाना बना सकता है। किदवई को लगता है कि पाकिस्तान के मिसाइल इतने ताकतवर हैं कि भारत के सोफिस्टिकेटेड S-400 सिस्टम को, जो हमने अपने देश की सुरक्षा के लिए खरीदा है, राख में बदल देंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती, किदवई ने यह भी कहा है कि चाहे भारत अपने डिफेंस सिस्टम्स को कहीं भी छुपा ले, पाकिस्तान के मिसाइल उन्हें ढूंढ निकालेंगे और सेकंड्स में तबाह कर देंगे। लेकिन दोस्तों, असली मजेदार बात तो यह है, इन धमकियों का असर तब होता जब यह किसी ऐसे शख्स के मुंह से आता जो कभी भारत की मिलिट्री लीडरशिप के सामने बैठा होता। पूरी सेवा में किदवई को कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत के आर्मी चीफ के सामने बैठकर कोई मीटिंग कर सके। यह सब जोश और घमंड के बावजूद किदवई के शब्दों में ज्यादा हवाईबाजी लगती है, असल काम कम। लेकिन दोस्तों, किदवई अब भी पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी में एक पोजीशन रखते हैं जो उनके न्यूक्लियर आर्सेनल का जिम्मा रखता है। ऐसा लगता है जैसे वो अब भी उसी मशीनरी का हिस्सा है जो बस झूठी धमकियां देते रहते हैं। दोस्तों, सोचिए, इतनी सालों से यह सब सुनने के बाद भी पाकिस्तान की लीडरशिप ने अब तक यह क्यों नहीं समझा कि सिर्फ शब्दों से भारत को डरा नहीं सकते। 1947 में भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर अटैक से ज्यादा 100 बार धमकी दे चुका है। और दोस्तों, यह कोई असंभव बात नहीं है, जब भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है पाकिस्तान तुरंत न्यूक्लियर कार्ड खेल देता है। लेकिन उन सब बदबोलेपन के बावजूद पाकिस्तान के पास कभी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी धमकियों को अंजाम तक पहुंचा सके। दोस्तों, ये ऐसे ही क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि अगर वो यह लक्ष्मण रेखा पार करते हैं तो क्या होगा। अगर पाकिस्तान हम पर हमला करता है, हां, शायद भारत का एक शहर चला जाए, लेकिन जब भारत पलटकर हमला करेगा, और दोस्तों हम जरूर पलटकर वॉर करेंगे, तब पाकिस्तान को अगली सुबह देखने का मौका नहीं मिलेगा। ये एक सच्चाई है जो उनकी सरकार भी जानती है, लेकिन फिर भी वो वही पुरानी धमकियों का नाटक बार बार करते रहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की बात सिर्फ न्यूक्लियर हथियार तक सीमित नहीं है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, चाहे वो 1947 की लड़ाई हो, 1965 की जंग हो, या फिर 1971 का युद्ध जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया, या कारगिल की लड़ाई, पाकिस्तान ने हर बार ऐसे ही खाली धमकियां दी थीं। उन्होंने अपनी मिलिट्री ताकत के बड़े बड़े दावे किए और भारत के बर्बादी की धमकी दी, लेकिन हर बार जीत किसका हुई? वो देश जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, या वो जो अपनी रणनीति, अनुशासन और ताकत पर विश्वास रखता है? हर बार भारत जीता। और दोस्तों, ये बात तब की है जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार थे। लेकिन क्या हुआ, इतने बड़े लड़ाई के बावजूद, इतनी शर्मिंदगी के बावजूद 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को खो दिया और कारगिल में भी हार गए। पाकिस्तान ने कभी अपना न्यूक्लियर बटन दबाया? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, जो हम जानते हैं, न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करना
बस एक बटन दबाने से ज्यादा होता है। इसका परिणाम विनाशकारी होगा, पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा। ये बात किडवाई भी जानते हैं, उनकी सरकार भी जानती है और उनकी सेना भी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, वो फिर भी ऐसे ही धमकियों को बार बार क्यों बोलते हैं? पाकिस्तान हमेशा क्यों वापस अपने पुराने प्लेबुक पर आ जाता है, न्यूक्लियर धमकियों और हवा में ताकत दिखाने का नाटक करते हुए? दोस्तों, अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए। पाकिस्तान को शायद यह लगता है कि उसका न्यूक्लियर आर्सेनल उसे अजेय बना देता है, लेकिन असल में बात कुछ और है। जो क्याली पुलाव पाकिस्तान पक रहा है, उसमें यह दावा करना कि वो भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देंगे, सिर्फ सपना है। भारत सिर्फ S-400 पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास एक और एडवांस्ड 2-स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो खास तौर पर न्यूक्लियर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान के मिसाइल जो वो इतने शान से दावे कर रहे हैं, उन्हें भारत के डिफेंस सिस्टम के आगे ज्यादा देर तक खड़ा रहने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, असली बात तो यह है कि जब पाकिस्तान लाहौर से बयानबाजी कर रहा है, तब भारत अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगा हुआ है। जब किडवाई और उनके जैसे लोग न्यूक्लियर डोमिनेशन का सपना देख रहे हैं, तब भारत असल सुरक्षा में निवेश कर रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तान के जितने भी दावे हों, वो सिर्फ हवा में बातें करते हैं, असल में कुछ नहीं करते। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि हर कुछ महीनों में बिना फेल हुए पाकिस्तान की सेना का कोई शख्स आता है और भारत को बर्बादी की धमकी देता है। स्क्रिप्ट हमेशा वही होती है, हमारे पास हथियार हैं, हम कभी भी अटैक कर सकते हैं और भारत कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, इतने सालों के बाद भी पाकिस्तान एक भी धमकी को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। आपको लगता होगा कि इतने अरसे बाद उन्हें समझ आ गया होगा कि बस शोर मचाने से जंग नहीं जीती जा सकती। दोस्तों, इसलिए यह संदेश जनरल किडवाई और पाकिस्तान के उन सब लोगों के लिए जो इस न्यूक्लियर डोमिनेंस के सपने में जीते हैं। अगर आपको सच में लगता है कि आप भारत को तबाह कर सकते हैं, तो आगे बढ़ो, बम गिराओ। लेकिन हम सब जानते हैं कि आप नहीं करोगे, क्योंकि अंदर से आप जानते हैं कि जैसे ही आप बटन दबाते हो, पाकिस्तान का अंत हो जाएगा ना। कोई लाहौर से बोलने वाला बच्चा रहेगा ना कोई और जो अपनी झूठी बात बोलापन कर सके, सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हम इन धमकियों पर सिर्फ हंस सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये सब बस हवा में बातें हैं। भारत न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि हर हालत के लिए तैयार है। पाकिस्तान अपने घरों की छत से ऐसे ही स्पीच करता रहे, जब तक हम अपना सुरक्षित, समृद्ध और शांति का भविष्य बना रहे हैं। और उन लोगों के लिए जो अभी भी यह सोच रहे हैं कि वो भारत की ताकत को चुनौती दे सकते हैं,